जय जोहार। महतारी भाखा छत्तीसगढ़ के नंबर वन डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण कटौती ले लेके राजनीति सलग गरमा जाते और इसी बीच सर्व आदिवासी समाज आरक्षण के मुद्दा लेके लामबंद हो चुके हैं। संगे संग महाबंद और आर्थिक नाकाबंदी करे के तैयारी घलोक शुरू कर दे। वे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे ला आरक्षण मुद्दा में जिम्मेदार बताते हुए राजनीति करे के आरोप लगाते। तो आज पंचायती में यही मुद्दा पर चर्चा करबो। फिर ओखर पहली देखो ये रिपोर्ट। आरक्षण में कटौती ला लेके हाई कोर्ट के फैसला आए के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ये स्थिति पर एक दूसरे ला जिम्मेदार बताते। उन्हें फैसला ले आदिवासी वर्ग नाराज है। सर्व आदिवासी समाज एला लेके एकजुट हो गए हैं। उन एकर बर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जिम्मेदार ठहरात हुए मामला में राजनीति करे के आरोप लगा है। सर्व आदिवासी समाज जल्द ही ये मुद्दा ला लेके महाबंद और आर्थिक नाकेबंदी करे के तैयारी में है। यदि सर्व आदिवासी समाज हा ये मुद्दा ऊपर 1 अक्टूबर के राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में कांग्रेस बीजेपी के एसटी सांसद विधायक मन की एक बैठक रखे। ये मुद्दा ला लेके आदिवासी समाज 8 अक्टूबर के विधायक मन ले मिली और 10 अक्टूबर के महाबंद करी। अब एक बात स्थिति कहूँ इसने रही तो नवम्बर में आदिवासी समाज आर्थिक नाकेबंदी करी। एक ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहने के सरकार के असफलता तो साफ दिखत है। हम लोगन ये मामला ला गंभीरता से ले रहे हैं, फिर राज्य सरकार एक बार बिल्कुल गंभीर नहीं है। उन तंज कसत हुए कहने के सरकार नान के केस में 10 महंगा वकील लगा है, फिर आदिवासी के मामला में ध्यान नहीं देते, कोई बड़े वकील नहीं लगा है। सरकार की असफलता तो साफ साफ दिख रही है। पूरे हम लोग के समय लगातार इस मामले को गंभीरता से हम लोग लड़ते रहे और यहाँ उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई। नान के केस में 10-10 वकील लगाते हैं और इसमें कोई भी बड़ा वकील नहीं आया। उन्हें कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे कहने की बीते सरकार आरक्षण लेके गंभीर नहीं रही से मुख्य रिपोर्ट के आधार में फैसला हो है। 58% आरक्षण के मुद्दा में हम सुप्रीम कोर्ट जाबो। उन्हें हम आरक्षण दे के निर्णय ले हवन तो हेड काउंट करात हवे। उम्मीद करथन के फैसला आही। तो हाई कोर्ट ने हेड काउंट करने के लिए कहा हुआ है और सरकार का ये कार्यक्रम चल रहा है। हेड काउंट के बाद जब हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो उसके बेस में जो रिजर्वेशन है उसकी हम उम्मीद करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आरक्षण के कटौती मामला ले के आदिवासी समाज के जो तेवर नजर आते ओला देख के बात के आशंका है कि चुनाव में अवैया बेरा भाजपा और कांग्रेस ला कहूँ भारी न पड़ जाए। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो जब ले हाईकोर्ट आरक्षण के मुद्दा ऊपर अपन पक्ष रखे ओकर बाद ले सरलग राजनीति गरमाए हुए बीजेपी और कांग्रेस ले हमन पहले भी गोट बात करे रहे हैं ये मुद्दा ऊपर। अब सर्व आदिवासी समाज एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ओकर मन के मानना है कि चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे ये दोनों पार्टी हा ओकर मन के सुनवाई नहीं करते, ओकर मन ऊपर ध्यान नहीं देवते। तो यही मुद्दा पर आज चर्चा करबो। हमर संग संत राम नेताम जी विधायक हवे जो स्टूडियो में मौजूद हवे। ननकी राम कंवर जी विधायक हवे बीजेपी के घोलो हमर संग जुड़े थे। भरत सिंह सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष घलो का ये चर्चा में हिस्सा लिए। आप सबो जन के स्वागत है, जोहार है। भरत सिंह जी आप मतलब पहली हमन चर्चा के शुरुआत करबो काबर के हमन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पक्ष ला जान चुके हन लेकिन अब सर्व आदिवासी समाज एक गांव फिर ये मुद्दा ऊपर बड़े आंदोलन की तैयारी में कौन तरह की रणनीति आप मन बनावत हो? आरक्षण मुद्दा पे देखिए भारत सरकार ने 2005 में आइडेंटिफाइड किया था कि किस राज्य को कितना परसेंट देना है। इसको सरकार के नॉलेज में हम लोगों के नॉलेज में आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि आदिवासियों को इतना परसेंट आरक्षण देंगे। ये 10 दिसंबर 2010 में शहीद वीर नारायण के बलिदान दिवस पे घोषणा की गई थी। ठीक है। इसका आदेश जारी हुआ, अधिसूचना जारी हुआ 2012 में। तो 2012 में अधिसूचना जारी होता है तो आदिवासियों का जो आरक्षण है 32% सही दिया गया। ठीक है। एससी को 12% उनके जनसंख्या के आधार पर दिया गया, ओबीसी को 14% दिया गया। तो ये आदेश में भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कम ज्यादा हो गया। ठीक है। इसको लेकर कुछ लोग
याचिका में लगा दिए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने अभी 19 सितंबर को आदेश दिया है, उस आदेश के तहत में ये जो सरकार द्वारा पेश की गई थी इसको अपास्त कर दिया है, खारिज कर दिया है। ठीक है, तो इससे सीधे सीधे आदिवासी समुदाय के लोग हम घाटे में आ गए। हमारा तो नियम था, चल रहा था, और पूर्व सरकार या अभी का सरकार जो भी है वो बरकरार रखा है। इसमें घाटे में ये हुआ है कि 2005 से 12 तक हमको उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब दोबारा पास हो गया है, और इसको सुलझाने में और कितना समय लगेगा। तो मतलब ये है जा रहे हैं बीजेपी शासनकाल की अपन बात करा तो ननकीराम कंवर जी घलो हमारे संग बने हुए। ननकीराम जी, जो तरीका के आप मन बात सुने भारत सिंह जी क्या उसके संग वो बेरा एक समिति के गठन करेगी सोखर आप अध्यक्ष रहे हो, और अध्यक्ष हो के नाते आपने एक रिपोर्ट तत्कालीन सरकार यानी अपने सरकार ला सौंपे रहे हो, काबर उमा कार्रवाई नहीं हो पाई, इसका काबर वाला लागू करे में रुचि नहीं दिखाई सरकार। हेलो जी, नमस्कार जी। जी ननकीराम जी, आप मतलब सवाल है मोर। हाँ, मेरा निवेदन था, इस समय मैं अध्यक्ष था जी, अध्यक्ष को होने के नाते मैंने शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सबमिट किया, और वो रिपोर्ट क्या किया था तो आज के दिन पे याद नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं अगर उस रिपोर्ट में सभी आदिवासियों से चर्चा किया और रिपोर्ट के अनुसार से अगर क्या बोलते हैं सर आदिवासी समाज उस रिपोर्ट के आधार पर अगर चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं अभी भी प्रयास करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध उस बात को मैं निश्चित रूप से रखूंगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आज कम से कम दूसरे गवर्नमेंट से तो नहीं कहते, लेकिन आज जितना आदिवासियों के संबंध में ठीक है उन्होंने स्टेप लिया है निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अगर रिपोर्ट से इस रिपोर्ट से हमारे आदिवासी समाज प्रसन्न है या खुश है उसे चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं पहले व्यक्ति होगा जो उस रिपोर्ट को मंगवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ननकीराम जी, ठीक ननकीराम जी गंभीरता दिखावा थे संतराम जी, अपन बात भी कहा थे और रिपोर्ट में उन बताइए कि जो भी बात लिखे एक गाँव फिर प्रधानमंत्री ले चर्चा करूं, प्रधानमंत्री जो कर रहे थे आदिवासी मनोर काम ओखर बात भी कहीं है। संतराम जी आप मतलब अलग थे का तत्कालीन सरकार यानी जो पूर्ववर्ती सरकार है वो कोशिश करे अपन हमेशा आरोप लगावत हो जब ले फैसला है। देखिए आरक्षण के मुद्दा पर मेरा ये कहना है कि जब माननीय हमारे उच्च न्यायालय में कुछ याचिका हमारे लोगों ने लगाया जिसने भी लगाया होगा, पर उसमें तत्कालीन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उनका फर्ज बनता है कि वहां पर माननीय न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर माननीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदिवासी नेता है, बहुत ही विद्वान और ईमानदार भी है, और उन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैंने समिति के अध्यक्ष होने के नाते रिपोर्ट पेश कर दिया था, पर यहाँ के जो तत्कालीन सरकार ने उसको क्यों पेश नहीं किया इसको मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे रमन सिंह जी थे। पर मैं इसमें कहना चाहता हूं अगर जो याचिका प्रस्तुत की है उसमें हमारे तत्कालीन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोगों ने उसकी जिम्मेदारी लिया था उसमें मजबूती साथ अपना पक्ष रखना चाहिए था। मैं जो पता किया हूं उसमें पिछला जो सरकार है तत्कालीन सरकार अपनी बात को मजबूती के साथ पेश नहीं करने के कारण, और हमारे जो अभी सरकार के द्वारा जो 1000 पन्ने का जो ये उसमें सुझाव पेश किया गया था उसमें पक्ष रखा गया था, तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि पूर्व सरकार ने तत्कालीन सरकार ने ये भाग को आपके ने जो पेश कर रहे हैं ये भाग को यहाँ पर पहले से जो अधिसूचना में नहीं रखा था जिसके कारण ये हम इसको हम नहीं ले सकते, जो पुराना जो सरकार हमको दिया है उसी पर हम निर्णय लेंगे, और जिसके कारण वही निर्णय हुआ और 2012 के स्थिति में वो जो फैसला आया वास्तविक में आदिवासियों के अहित में फैसला आया है, इसका अगर कोई दोषी है तो पूर्व सरकार में बैठे जो पक्ष नहीं रख पाया भारतीय जनता पार्टी आदिवासी
आदिवासियों के लिए हित नहीं चाहती, और उसका अगर खामियाना भुगतने हैं तो हम आदिवासी भुगतेंगे निश्चित तौर पे। मैं इसका अगर मैं दोषी कहूंगा तो ये तत्कालीन सरकार है। ठीक है भारत सिंह जी, आपन सुने हो दोनों पक्ष सुन ले हो, बीजेपी और कांग्रेस। ननकीराम कंवर कहा थे कि एक रिपोर्ट बने के एक रिपोर्ट सौंपे रही न, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। संतराम जी नेताम जी कहा थे बोला करना रही से, लेकिन ये दोनों ही पार्टी एक दूसरा आरोप लगावा थे भारत सिंह जी। लेकिन नान के मुद्दा में 10 बड़े वकील लगाए जाते, फिर अभी कैसे हाई कोर्ट में मन चूक गए, कैसे अपन पक्ष ला मजबूत ले नहीं रखे, से भारत सिंह जी अपन नहीं लगे। हाँ चूक तो लगता है। अनुच्छेद 15-16-4 के मुताबिक में अगर आप किसी को उनके संख्या और संवैधानिक अधिकार को देखते हुए बढ़ाते हैं तो उसमें क्वांटिफाइबल डेटा प्रस्तुत करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया, जिसको अभी हाई कोर्ट ने भी इंगित किया कि ये जो जवाब पेश किए थे उस समय ये डाटा नहीं था, अभी पेश कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इससे सीध है कि आधा अधूरा पेश किया गया, इससे नुकसान तो हम आदिवासियों का हो गया ना। उस समय 6 साल वंचित रहे, अब और कितने वंचित रहेंगे। लगातार मतलब ईमानदारी से सरकार इसको पेश ही नहीं कर पा रही है। नहीं तो आप मन के अगला कदम का रही का आप काबर के आपन आंदोलन के बाद कहे हो भारत सिंह जी, और आपन दोनों पार्टी ला दोषी माना था, कौन तरह की रणनीति आपन बनाए जी? नहीं अभी तो ठीक है, सरकार को कानूनी रूप से जितना करेंगे करेंगे, हम वाच भी रखेंगे और तैयारी भी रखेंगे कि आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन में भी कूद जाएंगे। ठीक, और हमको 32% आरक्षण प्राप्त करना ही है। ठीक है, 32% आरक्षण मिलना ही चाहिए। ननकीराम कंवर जी, आप मन कहे हो कि प्रधानमंत्री के सामने आप मन बात रखू और वो बहुत संवेदनशील हवा है ता जरूर कार्रवाई करी, लेकिन अभी के स्थिति में का करू आपन काबर के, अभी तो सरकार कांग्रेस के हवा है और हाईकोर्ट अभी ये मुद्दों पर अपन फैसला ला दे दे है, अब आगे मन कहा थे सुप्रीम कोर्ट जाबो, आप मन की का स्टेप रही? देखिए निवेदन है अगर क्या बोलते हैं 30% का सिफारिश अगर मैंने किया है तो निश्चित रूप से कोर्ट के आदेश के बाद भी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट संविधान में परिवर्तन। ठीक है, और आज इस तरह से 12 आदिवासियों का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था, कई मात्रा की गलती थी, कई कुछ गलती था, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा तत्काल, उन्होंने इससे किया और उस धारा में उन्होंने जोड़ा। और मेरा मानना है अगर 32% का सिफारिश मैंने किया तो निश्चित रूप से क्या लोग देखिए अंतराल 7-8 साल की हो, मैं क्या लिखा हूँ क्या है आज याद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उस मेरा रिपोर्ट मिल जाए मुझको। ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, मैं इतना दावा कर सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी तो मानेंगे लागू करेंगे, क्योंकि देखिये किसी समाज का अहित न हो, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा दुनिया में छा गए हैं, ये भारत की तो क्या है छोटा सा, उसमें हर व्यक्ति को आप जितना क्या बोलते हैं समाज के लिए उन्होंने काम किया है, देश के लिए काम किया है, मैं समझता हूँ मेरे 50 साल की राजनीति में मिलने से ठीक है उत्तर, आज सभी देश के लोग उनको लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ननकीराम कंवर आज क्या बोलते हैं समाज के लिए नहीं करेंगे, और आपको ताजुब होगा आदिवासी समाज के लिए उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति बनवाया। ठीक है, आदिवासी ने बनाया। ठीक, अब आप मन का बात करो का कुछ हुआ हो ही, ये बात तो खैर बाद में पता चली, लेकिन अभी कांग्रेस की का अगला कदम हो ही एक ऊपर चर्चा आगे बढ़ाबो। हम एक महती विषय ऊपर चर्चा कर रहे थे, पहले हम बीजेपी और कांग्रेस के मुद्दा लेके चर्चा कर रहे हैं कि का सोचते हो मन हाईकोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन अब एक और एंगल आ चुके सर, आदिवासी समाज एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है, वो मन लगते कि बीजेपी और कांग्रेस उखर मन के हितैषी नहीं है। तो संतराम नेताम जी ब्रेक में जाए पहले आपन सुने हो ननकीराम कंवर जी और भारत सिंह आर्य जी ला, अब आप मन के पक्ष जानना चाहूँ, आपन के पार्टी के पक्ष जानना चाहूँ कि का प्लानिंग हवा है आगे अवैध दिन में आप मन का करने वाला हो। देखो अभी हमार आदिवासी नेता हमार भारत सिंह जी ला मैं सुनत रहे हूँ, वह ये बात ला कहिस कि मजबूती के साथ तत्कालीन सरकार है ये बात ला हाईकोर्ट में नहीं रखीस, तेकर कारण वहां पर जो हाईकोर्ट में जो फैसला है इसकी आधा अधूरा, जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक जो अपाहिज बच्चा
जेकर तत्कालीन हमर सरकार है ये बात ला नहीं रख पैसे जना हाथ है ना पैर है तेकर कारण आज हमारा आदिवासी समाज है ये बात ला भुगतत है। मैं तो कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से हमर ननकीराम भैया अभी ये बात ला रखे रही इसकी मैं तो जो समिति की रिपोर्ट ला वहाँ पेश कर रहे हो ये बात मीडिया में भी आए समाचार में भी आए हमारे मतलब जो सामने आदिवासी समाज के सामने भी आए ओकर से वो कतिक दुखी है वो बात से समझ सकता हो। मैं तो ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े आदिवासी समाज जो छत्तीसगढ़ में हमारे समाज निवास करते ऐसे समाज के बारे में गंभीरता से नहीं लेना कहीं ना कहीं तत्कालीन हमारे जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के लगातार 15 साल रही एकर नीति नियत हमारे आदिवासी पर साफ नहीं रही जेकर कारण जी हमारे भुगतेल पड़त है। मैं तो कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी मन के साथ में धोखा करत है। एक बात से स्पष्ट हुई कि 9 अगस्त में जब आदिवासी दिवस हम मनात रहे उनकर पार्टी के जो निर्णय रही हमारे आदिवासी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष रही भारतीय जनता पार्टी के विष्णु देव साय ला कहना चाहता हूँ कि ओला हटाना मतलब आदिवासी के प्रति कतिक प्यार है कतिक नफरत है। संतराम जी आज रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहिन है कि हमर सरकार गंभीर रही से आदिवासी के मुद्दा वाला लेके लेकिन जो वर्तमान सरकार है वह जानबूझ के ऐसे करे और नान के घोटाला पर 10-10 वकील के फौज खड़े कर देते और ये मुद्दा ऊपर हाईकोर्ट में फेल हो गए। निश्चित तौर पे मतलब भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक बात मैं पहले भी बता चुके रहे हूँ कि हाईकोर्ट है ये बात रखी सब 1000 पन्ना के हमर वकील जब वहां पर पेश करी हमर सरकारी वकील है कि ये बात रखाओ तो वो स्पष्ट कही कि पुराना जो तत्कालीन के जो सरकार है कई बार 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 हम आप बोले ओकर बाद भी ये बात नहीं रखी ये अनुसार जो भाग रहे वो भाग में ये भाग जोड़े नहीं रही तेकर से वो कही कि ये जो पन्ना हम अध्ययन नहीं कर सकन जो पुराना जो रिपोर्ट आए है ओकर हिसाब से हम फैसला देवो तो ये विषय में हमारे सरकार का करी हमारे वकील का करी। और मैं ये कहना चाहता हूँ अभी भी हमारे आदिवासी समाज के प्रति हमारे सरकार हमारे मुख्यमंत्री मंत्री जो हमारा भूपेश बघेल जी ये चिंता करत है अगर जरूरत पड़ी तो वो तो कह दी से कि अगर जरूरत पड़ी तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाबो और आदिवासी मला हित दिलाबो उनका हक दिलाबो और 32% आरक्षण दिलाही। अब एक बात ला मैं भी कहता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो हम बस्तर के 12 विधायक सरगुजा के हमारे विधायक सब मन हमारे मुख्यमंत्री के साथ हमारे सर्वोच्च माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाबो और हमारे आदिवासी जो हमारे समाज के जो 32% हमला जरूर हमला हम दिलवाबो ऐसे हम मानत हन। चलो भारत सिंह जी आप मन का कहू काबर के बीजेपी और कांग्रेस तो एक दूसरे पर आरोप लगाते लेकिन आप मन के कारण नीति हुई 1 अक्टूबर के आपन बैठक रही हो 10 अक्टूबर के का महाबंद करू आपन अभी एक अक्टूबर को माननीय सांसद हैं माननीय विधायक जी हैं इनको बुलाया गया है और उस दिन हम गंभीरता से चर्चा करेंगे कि इसके लिए हमारी रणनीति क्या होगी। हम लगातार घाटे में जा रहे हैं हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। इनके नॉलेज में भी लाया जाएगा उनके नॉलेज में पहले से भी है और जनता आक्रोशित हो रहा है। एक बार धारणा बना लिया आक्रोश हो गया तो शांत करना मुश्किल होता है। इसको सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। चलो उम्मीद कर सकथन के आप मन जोन बैठक कर हो और जोन भी आप मन प्रदर्शन की तैयारी करत हो ये बात कहे के संगी अब जोन सरकार हवे वो आदिवासी मन के हित में सोचे पर शुरू कर दिया और तीनों पक्ष ला हमन देखे हन कांग्रेस बीजेपी और आदिवासी समाज के जोन पक्ष ला आज हमन सुने हन लगते कि मुद्दा अत्यधिक जल्दी शांत होने वाला नहीं है। आप तीनों जन जुड़िया तेखर बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।